स्वागत है आप सभी का एजुकेशन ऑफ आयुर्वेदा में। बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे, जो डिप्लोमा इन फार्मेसी हैं आयुर्वेद से, जो भी स्टूडेंट डिप्लोमा फार्मेसी कर रहे हैं उनके कमेंट्स आ रहे थे कि सर जो बुक्स हैं उनके बारे में बताइए कि हमें किस जो राइटर की बुक्स है लेनी है, कौन कौन से बुक हम ले सकते हैं और किस बुक से हम अपनी जो स्टडी है उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। तो मैं आज की जो वीडियो आप सभी के लिए लेकर के आया हूँ, जो आज की जो वीडियो है वो इसी के ऊपर बेस्ड है। मैं आज आपको बताऊंगा जो फार्मासिस्ट हैं जो डिप्लोमा फार्मेसी कर रहे हैं आयुर्वेद से, उनको कौन कौन सी बुक्स पढ़नी है। तो आज का जो वीडियो है इसी पे होने वाला, तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बुक्स की। जो डी फार्मा कर रहे हैं, जो डी फार्मा कर रहे हैं आयुर्वेद से, और जो जिनका फर्स्ट ईयर है, जो फर्स्ट ईयर में है, पहला साल है उनका आयुर्वेद से फार्मेसी करने का, जो पहला साल है उनका, तो उन्हें पहले से अपने सब्जेक्ट पता होंगे। फिर से बता देता हूं, अगर नहीं भी पता है तो मैं फिर से बता देता हूं। पहला जो आपका सब्जेक्ट है वो है आयुर्वेद परिचय एवं स्वस्थ वृत्त, मतलब पहले भी मैंने बताया था आपको आयुर्वेद परिचय और स्वस्थ वृत्त, इसमें आपका परिचय आयुर्वेद का दिया जाएगा और स्वस्थ वृत्त बताया जाएगा। उसी तरह से जो दूसरा जो परिचय है वो, दूसरा जो सब्जेक्ट है वो शरीर रचना एवं क्रिया विज्ञान है, शरीर रचना एवं क्रिया विज्ञान। और तीसरा जो सब्जेक्ट है वो है आपका सब्जेक्ट है वो आपका तीसरा सब्जेक्ट है आपका द्रव्यगुण विज्ञान, द्रव्यगुण विज्ञान या द्रव्य परिचय आपका तीसरा सब्जेक्ट है। तो जो फर्स्ट ईयर है, जो डी फार्मा आयुर्वेद से, जो फर्स्ट ईयर के जो स्टूडेंट है डिप्लोमा फार्मेसी आयुर्वेद से करो, जो फर्स्ट ईयर के प्रथम वर्ष के जो स्टूडेंट है उनको ये तीनों सब्जेक्ट पढ़ने हैं, आयुर्वेद परिचय एवं स्वस्थ वृत्त, शरीर रचना एवं क्रिया विज्ञान और द्रव्यगुण विज्ञान। तो मैं बता दूं कि आपको किस राइटर की किताब लेनी है, कौन से राइटर की किताब आप लेंगे, कहां आपको ये किताब मिलेगी, तो ये भी देख लीजिए। वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। मैं इस वीडियो में आपको डिप्लोमा फार्मेसी आयुर्वेद से जो फाइनल ईयर वाले जो स्टूडेंट हैं उनको भी मैं बताने वाला हूं कि कौन सी बुक्स आपको लेनी है और ये बुक्स कहाँ मिलेगी और कैसे आप अपनी स्टडी कंटिन्यू कर सकते हो, कैसे आपको बेनिफिट मिलेगा। और जो भी कंफ्यूजन आपके दिमाग में रह जाती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं उस कंफ्यूजन को दूर करूंगा। और सबके कमेंट्स मैं पढ़ता हूँ, मैं बार बार ये वीडियो में बताते रहता हूँ कि सभी के कमेंट्स मैं पढ़ता हूँ और जो हो सकता है रिप्लाई भी मैं आपको आयुर्वेद परिचय और स्वस्थ वृत्त की जो बुक है उसके लिए राइटर जो है श्री जो प्रियव्रत शर्मा है उनका बुक आप ले सकते हो। तो आयुर्वेद परिचय और स्वस्थ वृत्त के लिए आप प्रियव्रत शर्मा का बुक आप ले सकते हैं। ये बुक आपको बनारस में चौखंबा पे मिल जाएगी। चौखंबा बनारस में आप जाएंगे चौखंबा पे तो आपको ये बुक्स मिल जाएगी, आयुर्वेद परिचय स्वास्थ्य वृत्त की प्रियव्रत शर्मा की जो किताब है वो आपको मिल जाएगी। तो मैं कहूंगा कि आप आयुर्वेद परिचय स्वास्थ्य वृत्त की अगर बुक लेने चाहते हैं तो प्रियव्रत शर्मा की आप बुक ले सकते हैं। वेद परिचय या इतिहास या आयुर्वेद विज्ञान और इतिहास की किताब अगर आप लेना चाहते हो तो उसके लिए भी आपको यही है कि आयुर्वेद विज्ञान, अगर आयुर्वेद विज्ञान का है या स्वस्थ वृत्त का है तो वो प्रियव्रत शर्मा की किताब आप ले सकते हो। उसी के क्रम में अगर स्वस्थ वृत्त की अगर आप बस किताब लेना चाहते हो तो श्री राजेश्वर दत्त शास्त्री की किताब ले सकते हैं। मतलब अगर आप स्वस्थ वृत्त की बस किताब लेना चाहते हो, अगर आप बस ये किताब अगर लेना चाहते हैं तो श्री राजेश्वर दत्त की लिखी हुई किताब आप ले सकते हैं, राजेश्वर दत्त, तो श्री राजेश्वर दत्त की किताब आप ले सकते हो। आप अलग अलग बुक स्टॉल पे जहां भी आप हो, जिस भी स्टेट से आप बिलोंग करते हो, आप वहां से आप बुक खरीद सकते हो, आसानी से किताबें मिल जाएंगी। जो राइटर मेरे द्वारा बताया जा रहा है अगर आपको नहीं मिलते हैं तो कोशिश कीजिए, अगर ऑनलाइन अवेलेबल है तो ऑनलाइन भी आप उसको मंगा सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी बुक्स है आपको आयुर्वेद की ऑनलाइन भी आपको मिल जाएगी। दूसरी चीज है शरीर रचना एवं क्रिया विज्ञान, दूसरा जो सब्जेक्ट है, तो इसके लिए मैं आपको बुक दिखा दूं। जो शरीर रचना और क्रिया विज्ञान का जो किताब है वो डॉक्टर विनोद प्रसाद नोटियाल की किताब है, डॉक्टर विनोद प्रसाद नोटियाल। आपको इस तरह से किताब का स्वरूप मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, किताब इसी तरह का है, आप चाहें तो ये ले सकते हैं।
तो डॉक्टर विनोद सत प्रसाद नौटियाल की किताब है, आप ले सकते हो। राइटर का नाम है डॉक्टर विनोद प्रसाद नौटियाल, तो ये बुक्स ले सकते हैं। इस राइटर की बुक आप ले सकते हो, सिंपल ही है, इजी लैंग्वेज है, मैंने पढ़ी हुई है तो इसलिए बता रहा हूं कि आपको आसानी से ये समझ में आने वाली है, तो आप ले सकते हो इजिली। आपको जो भी चीजें इसमें शरीर रचना और क्रिया विज्ञान जो है इजिली तरीके से बताया गया। इसके अलावा अगर आप लेना चाहते हो तो रणजीत देसाई की भी किताब है, आप ले सकते हैं। इसकी जो किताब है रणजीत देसाई की भी किताब आप ले सकते हैं, राइटर है रणजीत देसाई, इनकी भी किताब आप ले सकते हो। रणजीत देसाई देसाई की भी किताब आप ले सकते हैं, आसानी से आपको मार्केट में अवेलेबल हो जाएगी, मिल जाएगी। और बात करते हैं द्रव्य गुण विज्ञान या द्रव्य परिचय की। तो अगर द्रव्य गुण विज्ञान और द्रव्य परिचय की बात करेंगे तो ये मेरे सामने, मैंने जो हाथ में किताब ली है द्रव्य गुण विज्ञान की है, और आप देख सकते हो इस पर राइटर भी नाम, राइटर का जो नाम है लिखा हुआ है आचार्य प्रियव्रत शर्मा। तो ये जो द्रव्य गुण विज्ञान की जो बुक है वो है आचार्य प्रियव्रत शर्मा की, आप देख सकते हो। ऐसे बुक की एडिशन है, ऐसा आपको कवर पेज मिलेगा, तो इस तरह की बुक आपको मार्केट में मिल जाएगी द्रव्य गुण विज्ञान की, आचार्य प्रियव्रत शर्मा की किताब है, प्रियव्रत शर्मा। तो ये जो बुक्स हैं, बुक्स के जो नेम है, राइटर है, मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल का, आप वहां से टेलीग्राम से जो भी बुक्स के नाम है उनके राइटर है मैं आपको शेयर कर दूंगा, आप वहां से भी ले सकते हो और मार्केट से आसानी से उस चीज को आप खरीद सकते हो और अपनी स्टडी जो है कंटिन्यू कर सकते हैं। तो इसमें जो भी मैंने किताबें बताई हैं, डी फार्मा फर्स्ट ईयर वाले जो आयुर्वेद से जो स्टूडेंट है, जो आयुर्वेद से फार्मेसी कर रहे हैं, तो उनकी किताबें जो है मैंने बता दिया, सब्जेक्ट वाइज जो राइटर है वो भी बता दिया कि आप इन राइटर्स की बुक ले सकते हो। अगर राइटर अगर ये आपको नहीं मिलते हैं तो आप ऑनलाइन किसी भी राइटर की बुक्स खरीद के जो इजी लैंग्वेज में डिफाइन हो उसको आप ले करके, खरीद करके आप पढ़ सकते हो, सारी चीजें आपको आसानी से समझ में आ जाएगी। और अगर आपको कंफ्यूजन होता है, जो चीजें नहीं समझ में आती हैं, तो आप हमसे पूछिए, मैं उस चीज को क्लियर कर दूंगा। टॉपिक मैं आपके लेके चल रहा हूं और माफी चाहता हूं क्योंकि वीडियो कभी कभी लेट हो जा रही है, क्योंकि इस समय बहुत ज्यादा बिजी रह रहा हूं, तो इसलिए वीडियो आपको कंटिन्यू नहीं दे पा रहा हूं, तो ये चीजें हैं, सारी दिक्कतें आ रही हैं, सबके साथ दिक्कत होती है, तो उसके लिए माफी चाहता हूं। और जो भी वीडियो है, टाइम मिलता है तो मैं आपकी हेल्प के लिए आ जाता हूं, आपको वीडियो देते रहता हूं, तो आप मेरे साथ बने रहिए, बेनिफिट आपको मिलेगा। अब इस उसी के क्रम में जो सेकेंड ईयर के जो स्टूडेंट है, जो सेकेंड ईयर के फार्मासिस्ट हैं, जो आयुर्वेद से फार्मेसी कर रहे हैं, उनके लिए मैं बुक्स के नेम बता देता हूं और कौन से राइटर हैं जिनकी बुक आपको लेनी है। तो पहला जो सब्जेक्ट है आपका, पहले से ही आपको पता है, सब्जेक्ट मैंने पहले ही बता दिया था, रस शास्त्र एवं भैषज कल्पना आपका पहला सब्जेक्ट है, भैषज कल्पना। तो रस शास्त्र एवं भैषज कल्पना पहला सब्जेक्ट है। रस शास्त्र एवं भैषज कल्पना के लिए आप पंडित विश्वनाथ द्विवेदी की बुक ले सकते हैं, पंडित विश्वनाथ द्विवेदी, मतलब अगर रस शास्त्र में भैषज कल्पना की बुक लेनी है तो आप पंडित विश्वनाथ द्विवेदी की बुक ले सकते हो, या आप अग्निहोत्री, जो श्री अग्निहोत्री हैं उनकी बुक आप ले सकते हैं, श्री अग्निहोत्री की बुक भी आप ले सकते हो। तो राइटर है ये, आपको मार्केट से आसानी से अवेलेबल हो जाएगा, आसानी से आपको मिल जाएगा। मैं आपको भैषज कल्पना की बुक दिखा देता हूं, मेरे पास जो है जो बुक है वो है, बुक है वो आचार्य सिद्धनंदन मिश्र की बुक है, वो भैषज कल्पना की बुक है, आप देख सकते हैं। इसमें बहुत ही इजीली जो भी प्रोसेस है मेडिसिन तैयार करने की वो आसानी से आपको समझ में आ जाएगी, सारी चीजें रेफरेंस करके हिंदी में बताई गई हैं, संस्कृत के बहुत ही जो श्लोक हैं उनको भी रेफरेंस करके ट्रांसलेट करके हिंदी में बताया गया, तो ये बहुत ही इजी है, इजीली लैंग्वेज में ये बुक है। तो आप चाहें तो मार्केट से आचार्य सिद्धनंदन मिश्र का भी आप ये बुक ले सकते हैं भैषज कल्पना के लिए, और रस शास्त्र के लिए भी आपको मैंने बता दिया पंडित विश्वनाथ द्विवेदी या श्री अग्निहोत्री जी की जो बुक है मार्केट में अवेलेबल है, आप आसानी से आप मार्केट से ले सकते हो। दूसरा जो सब्जेक्ट है आपका शरीर या शरीर, तो वही है शरीर या शरीर, तो शरीर के लिए आप डायरेक्टली जो है राजेश्वर शास्त्री की बुक ले सकते हैं, शरीर या शरीर के लिए आप जो बुक है राजेश्वर शास्त्री की बुक ले सकते हैं, राजेश्वर शास्त्री।
तो राजेश्वर शास्त्री जी की बुक आप मार्केट से ले सकते हो, ये भी आसानी से आपको मिल जाएगी। और जो नेक्स्ट जो सब्जेक्ट है आपका रुग्ण परिचर्या एवं व्यवहार आयुर्वेद है, रुग्ण परिचर्या एवं व्यवहार आयुर्वेद, तो रुग्ण परिचर्या और व्यवहार आयुर्वेद की अगर बुक लेनी है तो आप सिंपली श्री युगल किशोर गुप्त की किताब ले सकते हैं। रुग्ण परिचर्या एवं व्यवहार आयुर्वेद के लिए आप श्री युगल किशोर की किताब आप ले सकते हैं, युगल किशोर दत्त की किताब आप ले सकते हो। तो ये भी मार्केट से आपको मिल जाएगा। आप किसी भी स्टेट के हो, इंडिया के किसी भी स्टेट से आप बिलोंग करते हैं, आयुर्वेद फार्मेसी से आयुर्वेद से आप डिप्लोमा फार्मेसी कर रहे हो तो आप किसी भी स्टेट से अगर आप हैं तो इन राइटर की बुक लेकर के आप पढ़ सकते हो।